Hi friends, today we will discuss about all the layers of alimentary canal in your chapter digestion and absorption of your human physiology. तो यदि layers of alimentary canal की बात करें तो it has mainly four layers and you should have to remember it in systematic way. Systematic way का मतलब either from outside to inside or from inside to outside, क्योंकि आपके नीट के एग्जाम में अरेंज करने को आता है. तो हम लोग यदि इनके फोर लेयर्स की बात करें, इनके प्रॉपर्टीज़ को देखें फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, तो सबसे जो आउटर लेयर होता है वो होता है सीरोसा, उसके बाद मस्कुलरिस, उसके बाद सब म्यूकोसा और सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होता है म्यूकोसा. तो पहले यदि लेयर की प्रॉपर्टी देखें सीरोसा की, देन इट इज़ मेड ऑफ मेसोथेलियम विथ सब कनेक्टिव टिश्यू. मेसोथेलियम और सम कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है. मेसोथेलियम का अर्थ होता है द एपिथेलियम और विसरल ऑर्गन, जो हमारे विसरल जितने भी ऑर्गन होते हैं उनके इनर लाइनिंग को मेसोथेलियम बोलते हैं. उसके अंदर सीरोसा के अंदर का जो लेयर होता है वो होता है मस्कुलरिस. मस्कुलरिस का जो मेन प्रॉपर्टी होता है वही होता है कि इनके दो लेयर्स होते हैं, एक इनर लेयर और एक आउटर लेयर. और ये मस्कुलरिस जो होता है वो स्मूथ मसल्स से बने होते हैं. जो इनर जो लेयर होता है वो लेयर सर्कुलर फॉर्म में होता है, उन्हें सर्कुलर लेयर बोलते हैं. और जो ये आउटर जो लेयर होता है वो लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में होता है, उन्हें लॉन्गिट्यूडनल लेयर बोलते हैं. एंड एट सम प्लेसेस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल दीज मस्कुलरिस लेयर्स आर ऑल्सो फाउंड इन ऑब्लिक फॉर्म. सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म के अलावा ऑब्लिक फॉर्म में भी कहीं कहीं पाए जाते हैं मस्कुलरिस लेयर एलिमेंट्री कैनाल में. इसके बाद जो थर्ड लेयर होता है मस्कुलरिस से इनर मस्कुलर जो लेयर होता है वो होता है सब म्यूकोसा. सब म्यूकोसा इट इज़ मेड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू. इनके जो प्रॉपर्टी देखें तो इनके कंटेंट जो होते हैं वो होते हैं नर्व, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स. ये होते हैं आपके सब म्यूकोसा लेयर के प्रॉपर्टी, कि इनमें नर्व, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स होते हैं. इसके यदि आगे जाए तो ड्यूओडेनम में जाकर के ये ग्लैंड का फॉर्मेशन करते हैं. कौन? सब म्यूकोसा. इन द ड्यूओडेनम जो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जिनमें जाकर के स्टोमक का लास्ट पार्ट पाइलोरिक पार्ट खुलता है, उनमें जाकर के ये ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करते हैं. ये ग्लैंड्स क्या होते हैं? जो इंटेस्टाइनल जितने भी ग्लैंड्स होते हैं उनका फॉर्मेशन करते हैं. कौन? सब म्यूकोसा, ड्यूओडेनम में जाकर के. इसके बाद सब म्यूकोसा के अंडर इनर मोस्ट लेयर होता है वो होता है म्यूकोसा लेयर, जो फोर्थ लेयर होता है. ये म्यूकोसा जो लेयर होता है स्टमक में जाकर के इरेगुलर फोल्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड रजी. द म्यूकोसा लेयर ऑफ अल्मेंट्री केनाल फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड्स इन स्टमक, दैट इज कॉल्ड रजी. ये रजी का फॉर्मेशन करते हैं. कौन? मुकोसा, स्टमक में जाकर के. यही मुकोसा और आगे जाके इन स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई का फॉर्मेशन करते हैं. विलाई इट मींस जो विलाई होता है वो स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. और ये विलाई का मेन रोल होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, ताकि लार्ज अमाउंट यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट जो है उनका एब्जॉर्प्शन हो पाए. विलाई मेनली ये जो सपोज कीजिए ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है ल्यूमेन है एलिमेंट्री कैनाल का, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ही की तरह स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होते हैं. तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सपोज कीजिए ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये इन्हें ही विलाई बोलते हैं, जो मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं. और इन्हीं विलाई पे सपोज कीजिए एक विलाई हुआ, इनके विलाई के सरफेसेस पे मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको माइक्रो विलाई बोलते हैं. वे ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस को प्रोवाइड करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो यदि देखें विलाई में तो विलाई के ऊपर माइक्रोस्कोपिक जो प्रोजेक्शन होते हैं जो कि ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस को प्रोवाइड करते हैं. कौन? माइक्रो विलाई, नॉट विलाई. इन्हें आपको माइक्रो विलाई बोलते हैं. और इसके आगे जाए तो विलाई जो होता है ये इनके कंटेंट होते हैं कैपिलरीज, लार्ज लिम्फ वेसल्स एंड लैक्टिल्स. द लार्ज लिम्फ वेसल्स दैट इज फाउंड इन विलाई इज कॉल्ड लैक्टिल्स. यही म्यूकोसा लेयर और आगे जाकर के आपको गॉबलेट सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि म्यूकोस का सेक्रेट करते हैं. म्यूकोस का मेन रोल होता है फूड को लुब्रिकेशन करना. और यही म्यूकोसा जो स्टमक में जाकर गैस्ट्रिक ग्लैंड का फॉर्मेशन करते हैं, जो गैस्ट्रिक जूसेस को सेक्रेट करते हैं. पुनः ये जो विलाई होते हैं इनके बेसिस के बीच में क्रिप्ट्स पाए जाते हैं, जिनको क्रिप्ट्स ऑफ लेबर कुहन बोलते हैं. सपोज कीजिए दो विलाई हुआ, ये और ये दो विलाई के बीच में जो यहाँ पे आपको बेस है इसमें क्रिप्ट्स पाए जाते हैं, जिनको क्रिप्ट्स ऑफ लेबर कुहन बोलते हैं. ये हुआ आपके लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के आपके जो जानकारियाँ हैं प्रॉपर्टीज हैं. इसके बाद हम लोग ग्लैंड्स के विषय में पढ़ेंगे. फिलहाल के लिए थैंक यू. चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आपको लेक्चर को शेयर करने की कोशिश करें. कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव को देंगे. थैंक यू.